भारत का सबसे ताकतवर और सबसे सुरक्षित टैंक होने के बाद भी इंडियन आर्मी किस वजह से अर्जुन MK1A टैंक्स को बड़ी मात्रा में खरीदना नहीं चाहता है और भारत किस वजह से अर्जुन टैंक का डेवलपमेंट अभी बंद करने वाला है। थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के सेगमेंट में भारत अभी रशिया से भी एक कदम आगे निकल चुका है। CRPF की तरफ से अभी जम्मू एंड कश्मीर में डिप्लॉय होने वाले जवानों को छुट्टी में जाते वक्त हेलीकॉप्टर फैसिलिटी को प्रोवाइड करने का फैसला किया गया है। FATF की तरफ से एक बार फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने का फैसला किया गया और अगर पाकिस्तान जून 2021 तक FATF के द्वारा दिए गए सभी पॉइंट पर काम नहीं करता है तो पाकिस्तान के ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शन को लगाने की धमकी दी गई है और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से पहली बार एक काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली इंडियन आर्मी की तरफ से 118 अर्जुन MK1A टैंक्स के लिए फॉर्मल ऑर्डर को प्लेस किया गया था। इसे अब तक भारत में बनाए गए सबसे बेहतरीन टैंक कहा जाता है और इसकी प्रीवियस वेरिएंट में जो भी इशू थे इन सभी को इसमें फिक्स कर दिया गया है। इसको अभी हंटर किलर का नाम भी दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इंडियन आर्मी की तरफ से अभी और ज्यादा मात्रा में अर्जुन टैंक को ना खरीदने का फैसला किया गया है। और अगर अर्जुन टैंक सच में इतना बेहतरीन टैंक है तो इंडियन आर्मी की तरफ से और ज्यादा ऑर्डर क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि अभी मॉडर्न टैंक की हमें काफी जरूरत है और FRCV प्रोजेक्ट के अंदर भी लगभग 2000 से ज्यादा नए मेन बैटल टैंक को खरीदने का फैसला किया गया। लेकिन फिर भी भारत अभी अपनी इंडिजिनस टैंक को छोड़ के फॉरेन टैंक को क्यों खरीदना चाहता है और ज्यादा चांसेस ये कि इस टेंडर के अंदर भी भारत अभी रशिया की T-14 अर्माता टैंक को खरीदने वाला है। और अभी तो भारत एक लाइट टैंक को भी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अर्जुन टैंक की फर्दर डेवलपमेंट को अभी बंद करने का फैसला किया गया है। इसके पीछे कई लोग कई तरह के स्टेटमेंट देते हैं। जो सबसे कॉमन स्टेटमेंट होता है वो ये कि अर्जुन टैंक बहुत ही भारी है और इसी वजह से इसको बेकार टैंक बताया जाता है। लेकिन इनकी बातों में आधी सच्चाई होती है, क्योंकि अर्जुन टैंक का वजन जरूर ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेकार टैंक है। अगर हम किसी ग्लोबल मार्केट में जाके मौजूद टॉप रेटेड टैंक के बारे में बात करेंगे तो ब्रिटिश चैलेंजर टैंक का वजन लगभग 62.5 टन है और अभी ब्रिटिश चैलेंजर 3 टैंक का वजन 75 टन तक होने वाली है। लियोपार्ड टैंक की बात करें तो इसका वजन 67.5 टन है और अगर US की अब्राहम टैंक की सबसे लेटेस्ट वेरिएंट की बात करें तो इसका वजन लगभग 73.6 टन के आसपास होने वाली। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मर्केवा टैंक की बात करें तो इसका वजन भी 65 टन है। तो कुल मिलाकर ये जो लोग ये स्टेटमेंट देते हैं कि वजन ज्यादा होने से टैंक बेकार होता है तो वो इसको ऐसे ही ब्लेम करने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये कि भारत अभी अर्जुन टैंक को और ज्यादा मात्रा में क्यों नहीं खरीद रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण जो है भारत का टेरेन है। ये टैंक्स के सिलेक्शन में अभी सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर आप वेस्टर्न फ्रंट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर रेगिस्तान और अभी तक जितने भी अर्जुन टैंक को खरीदा गया है इन सभी को इसी साइड में तैनात किया गया है। अभी अर्जुन MK1A टैंक जो खरीदे जा रहे हैं इनको भी इसी साइड में डिप्लॉय किया जाएगा। लेकिन अगर कश्मीर या लद्दाख रीजन की बात करें तो वहां पर पहाड़ी इलाका है, जिस वजह से ये भारी भरकम टैंक को वहां पर ले जाने में हमको दिक्कत होने वाली है। और स्पेशली वहां पर जो ब्रिजेस होते हैं वो थोड़े अलग टाइप के ब्रिज होते हैं जो कि इतने सारे वजन को कैरी नहीं कर सकते। ऊपर से इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हमें अलग से बॉगी बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रेन के नॉर्मल बॉगी में फिट नहीं होने वाले। तो अगर हम अभी अर्जुन टैंक को और ज्यादा मात्रा में इंडेक्ट करते हैं और इसको नॉर्थ में या ईस्ट में डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बनने वाला है और हमें इनकी डिप्लॉयमेंट को लेके काफी सारे इश्यू सामने आने वाले हैं, जिस वजह से अभी सेक्टर में भारत की तरफ से लाइट टैंक्स को डिप्लॉय करने के लिए बातचीत किया जा रहा है। और ये सीख था ये हमें हाल ही में मिला था, जिस वजह से भारत अभी और ज्यादा अर्जुन टैंक को इंडेक्ट करना नहीं चाहता है, क्योंकि हमें इसकी और ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगला अपडेट भारत और रशिया को लेके। आप सभी को पता होगा कि भारत अपने ज्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट को रशिया से इंपोर्ट करता है और रशियन डिफेंस इंडस्ट्री पिछले कई सालों से डिफेंस सेक्टर में लीड कर रहा है, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, एयरक्राफ्ट हो या टैंक्स हो, ऐसे और भी कई सारे सिस्टम है। लेकिन अभी रशिया की तरफ से बताया गया कि ऐसे कुछ सेक्टर है जिसमें वो बहुत पीछे पड़ गए। जैसे कि अगर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की बात करें तो इस सेगमेंट में रशिया अभी काफी पीछे है और रशिया के पास अभी एक भी अच्छी थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मौजूद नहीं है और यहाँ तक कि रशिया के पास एक भी फायर एंड फगर टाइप का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मौजूद नहीं है। हाल ही में रशियन मीडिया की तरफ से बताया गया था कि अभी सिर्फ वेस्टर्न कंट्री नहीं बल्कि भारत भी खुद की थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को बना चुकी है।
हाल ही में ही भारत की तरफ से अपनी नाग मिसाइल का लैंड और हेलीकॉप्टर लॉन्च वेरिएंट को टेस्ट किया गया था। अब चाइना के पास भी खुद की थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मौजूद है और अल्जीरिया की तरफ से भी चाइना से रेडरो या HJ-12 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को खरीदा जा रहा है, लेकिन अभी तक रशिया के पास ऐसी कोई भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मौजूद नहीं है, जिससे अब रशिया अपनी डिफेंस मार्केट को धीरे धीरे खोने के साथ साथ दुश्मनों के सामने धीरे धीरे पीछे पड़ने लगा है। क्योंकि अगर यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो यूएस के पास से भी जेवलिन मिसाइल है जो कि किसी भी रशियन सिस्टम के मुकाबले काफी बेहतर है, और अभी सिर्फ कुछ अफ्रीकन कंट्रीज को छोड़ के कोई भी देश रशिया से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को खरीदना नहीं चाहता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। लाइफ फर्स्ट डिफेंस की तरफ से एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से भी रिथियन से 2 आइस्टर एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया है। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने वाली जिसमें एक गल्फ स्ट्रीम प्लेटफॉर्म के ऊपर एथियन के सिस्टम को माउंट किया जाएगा। इसको लेके पिछले कई सालों से बातचीत किया जा रहा था और लगभग पिछले 5 सालों से ये डील पेंडिंग पड़ा हुआ था। DRDO की तरफ से एक इंडिजिनस आइस्टर एयरक्राफ्ट को बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया था, जिसमें DRDO की तरफ से बेस एयरक्राफ्ट के तौर पर एक बॉम्बर्डियर या फिर गल्फ स्ट्रीम एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था। इसकी कुछ स्केल मॉडल को भी एयरो इंडिया शो के दौरान डिस्प्ले किया गया था। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी ऐसे 3 एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया है, जिनको सबसे पहले NTRO यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से खरीदा जाएगा और इसके बाद CAV यानी कि सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम के साथ मिलकर इनको डेवलप किया जाएगा। अब इंडियन एयरफोर्स के लिए जिन आइस्टर एयरक्राफ्ट को तैयार किया जाएगा, इसमें मौजूद ASR रडार 1 मिनट के अंदर ही 30,000 किलोमीटर की रेंज को ट्रैक कर सकेगा और 10 से 15 मिनट के अंदर अपनी टारगेट की सभी डाटा को एनालाइज कर पाएगा। मतलब दुश्मन की सिग्नल्स को ट्रैक करके ग्राउंड ट्रूप्स को ये बताने वाला है कि दुश्मन को निशाना बनाने के लिए उनको कौन सी हथियार का इस्तेमाल करना चाहिए और दुश्मन की एग्जिट लोकेशन क्या है। इसके अलावा ये अपनी डाटा को हमारे सैटेलाइट्स और सभी एयरबोर्न सिस्टम के साथ साथ ग्राउंड स्टेशन के साथ भी शेयर कर सकेगा। इसके लिए सबसे पहले भारत की तरफ से 2013 में एक टेंडर को फ्लोट किया गया था, जिसमें फ्रांस की थियल, यूनाइटेड स्टेट की रथियन और इसराइल की एल्टा पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन तब से टेंडर आगे नहीं बढ़ पा रही थी और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 4 और इंडिजिनस आइस्टर एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया, जो कि कैपेबिलिटी के मामले में लगभग सेम होने वाली है, पर इनका जो स्केल मॉडल एरो इंडिया शो में या फिर डिफेंस एक्सपो 2020 में डिस्प्ले किया गया था उसमें बॉम्बर्डियर एयरक्राफ्ट को दिखाया गया था, लेकिन अभी जो बेस एयरक्राफ्ट होने वाली है उसमें गल्फ स्ट्रीम को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान की तरफ से है। आप सभी को याद होगा कल भारत और पाकिस्तान की तरफ से एक अच्छी खबर सुनने को मिला था और कई सालों के बाद ये पहली बार हुआ था जब भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से LOC में सीज फायरिंग की उल्लंघन को बंद करने को लेकर बातचीत किया गया था और अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशन को बेहतर करने को लेकर बातचीत की गई थी। लेकिन इसके एक दिन बाद ही एक खबर सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशली जो LOC के करीब वाला एरिया है वहां पर पाकिस्तान की तरफ से हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो या FM चैनल को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है और इससे पहले यहाँ पर पाकिस्तान की मोबाइल नेटवर्क के साथ भी कुछ ऐसा ही चक्कर चल रहा था, लेकिन अभी हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो और FM चैनल की वजह से काफी परेशानी हो रही है और इनकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज्यादा रहती है कि यहाँ पर हमारे जो लोकल रेडियो और FM चैनल ब्रॉडकास्ट होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही है। इस पर बात करते हुए हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया कि इसके एक मेजर कारण यहाँ पर बड़ी मात्रा में यूज होने वाले सैटेलाइट डिश एंटीना को बताया गया और इनको बैन करने के बाद भी लोग इसको खरीद रहे और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। स्पेशली सियालकोट, लाहौर और इस्लामाबाद सेक्टर में जो टेलीकास्ट होते हैं ये सारे शो इजीली जम्मू एंड कश्मीर में सुनने को मिल जाते हैं। इनमें अगर सिर्फ मनोरंजन वाली बात होती तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन पहले भी ऐसा हो चुका है जहां पर कुछ रेडियो चैनल के जरिए एंटी इंडिया मैसेज को पास किया गया था और अभी कुछ एंटी सोशल एलिमेंट इनकी मदद से कुछ इन्फॉर्मेशन को भी पास करने की कोशिश कर सकते हैं। अब इसके लिए सावधानी बरतना काफी जरूरी है क्योंकि अभी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तरफ से बताया जा चुका है कि ऐसे अभी खलिस्तानी ग्रुप और सोरों के साथ मिलकर भारत की अंदरूनी जगहों में जैसे कि न्यू दिल्ली में, पंजाब में और जम्मू एंड कश्मीर के कुछ अलग अलग जगहों में बड़े गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही है और इसको लेके अभी सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। अगला अपडेट आज से लगभग 2 साल पहले हुए एक दर्दनाक हादसे को लेके है। आप सबको पुलवामा हादसे के बारे में पता होगा जिसमें हमारे 40 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसमें आपको पता होगा कि CRPF की पूरी कॉन्वॉय को ID से हमला किया गया था और अभी होम मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसे और हादसों को रोकने के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम लेने का फैसला किया गया है और अब से कश्मीर में तैनात हमारे सोल्जर जब अपनी ड्यूटी पूरा करके घर वापस जाएंगे तो उनको बाय रोड नहीं बल्कि सीधे हेलीकॉप्टर की मदद से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए हाल ही में होम मिनिस्ट्री की तरफ से ऑर्डर इशू किया गया था और अब से जब भी CRPF के जवान अपनी ड्यूटी पूरा करने के बाद
वापस अपने घर जाएंगे तो उनको MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए अब एक प्रॉपर रोड मैप को तैयार किया जा रहा है और हेलीकॉप्टर फैसिलिटी को भी तैयार किया जा रहा है और कुल मिलाकर हफ्ते में 3 दिन हेलीकॉप्टर फैसिलिटी जवानों के लिए अवेलेबल रहने वाली है। अब इस सहाय में हमारे कॉन्वॉय के जो मूवमेंट रहते हैं वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे और अभी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी प्रॉपर गाइडलाइन को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हेलीकॉप्टर हमेशा तैनात रहेगा। इसके लिए जवानों को पहले से इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो कब वापस जाने वाले हैं और शायद अभी हर यूनिट में अपने अपने लेवल में इसको करने की कोशिश की जाएगी। ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि जवानों को अभी हेलीकॉप्टर की मदद से जम्मू या फिर श्रीनगर एयरपोर्ट में ट्रांसपोर्ट किया जाए, लेकिन जो भी हो अब से बाय रोड कोई भी मूवमेंट नहीं होने वाली है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। अब सबको याद होगा पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया है और अभी एक बार फिर से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में ही रहने वाला है। हाल ही में इसको लेकर FATF की तरफ से एक स्टेटमेंट को इशू किया गया जिसमें यह बताया गया है कि FATF की तरफ से अभी वापस पाकिस्तान को जून तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया है। पिछले साल अक्टूबर में जब FATF की मीटिंग हुआ था तब पाकिस्तान को FATF की तरफ से कुल मिलाकर 27 पॉइंट पर काम करने के लिए कहा गया था, जिसमें फेल होने की वजह से पाकिस्तान को अभी फिर से जून तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया। FATF की तरफ से एक बार फिर से पाकिस्तान को वार्निंग भी दिया गया कि जून 2021 तक वो सभी पॉइंट पर काम करे और स्पेशली सभी यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड स्वरों के अगेंस्ट में कार्रवाई करे जिनकी हरकतों से भले ही पाकिस्तान को अपने लेवल में फायदा होता है या पाकिस्तान उनको समर्थन करता है और पाकिस्तान की तरफ से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। इस बात को लेकर अभी सिर्फ FATF नहीं बल्कि IMF, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया कि अगर इस बार पाकिस्तान की तरफ से सही तरीके से काम नहीं किया जाता है और इन आतंकवादी संगठनों को फंडिंग बंद नहीं किया जाता है तो पाकिस्तान के ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। अगला अपडेट एंटी ड्रोन सिस्टम को लेके। आप सभी को पता होगा कि मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स और स्वार्म ड्रोन सबसे खतरनाक बनते जा रहे हैं, क्योंकि कब आके कहां से हमला कर सकते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है और इनको काउंटर करने के लिए अभी तक कोई इफेक्टिव सिस्टम को डेवलप नहीं किया गया था। लेकिन अभी ग्लोबल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी एक माइक्रोवेव बेस्ड वेपन को डेवलप किया गया है जिसे स्वार्म ड्रोन को नाकाम किया जा सकता है। इसका नाम थॉर है और इसे अभी न्यू मेक्सिको की किटलैंड एयरबेस में टेस्ट किया जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट के मुताबिक इसको अभी ऑपरेशनल करने में थोड़ा सा वक्त लगने वाला है, लेकिन बनने के बाद ये ड्रोन्स के लिए एक शील्ड की तरह काम करने वाला है। थॉर का फुल फॉर्म टैक्टिकल हाई पावर ऑपरेशनल रिस्पॉन्डर है और ये लेजर वेपन से थोड़ा अलग सिस्टम है। यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की तरफ से बताया गया कि हालांकि अभी वो लेजर वेपन सिस्टम, माइक्रोवेव बेस्ड वेपन सिस्टम और अलग अलग तरह की डायरेक्ट एनर्जी वेपन को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली अगर स्वार्म ड्रोन्स की बात करें तो इनके लिए हाई पावर माइक्रोवेव वेपन ही सबसे ज्यादा बेहतर साबित होने वाला है, क्योंकि किसी भी लेजर वेपन के जरिए हम एक बार में किसी एक टारगेट को निशाना बना सकते हैं, जबकि थॉर एक ही बार में पूरे के पूरे ड्रोन के झुंड को नाकाम कर सकता है। इसकी अभी फील्ड ट्रायल को लगभग 2024 तक शुरू किया जाएगा, जिसके बाद इसको 2026 तक US मिलिट्री में शामिल करने की बात की गई है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।